लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे गए रहे ऊ मथिरा का टीले वाला मंदिर में हवन पूजा का वास्ते ऊ जो अभय के माता पिता को तो मरा हुआ बताए रही ना ऊ हमका जिंदा साक्षात दर्शन दिया ऊ मंदिर मा हम भी यहाँ रहना चाहते हैं आप लोगन का संग अगर हमरे यहाँ रही से किसी को परेशानी है तो साफ साफ कह दे हम यहाँ आसपास कोनो मकान देख लेंगे पर एक माँ होने के नाते हम अपना बेटी को ऐसा हालात में यहाँ छोड़ के नहीं जा सकत वो सब तो ठीक है पर जी मैं भी यही चाहता हूँ कि माता राम जी हमारे साथ यही रहे देव बेटा अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो हम क्यों ऐतराज करें ये तुम्हारा घर है तुम्हें जो अच्छा लगता है करो हनुमान आगरा से हमरा जरूरी सामान मंगवा लो दामाद बाबू आपका निकाह का संग जाके थोड़ा सा वक्त गुजारिए बातचीत करके समझाइए उका जी हमका बहुत थकान हुई रही है हम आराम करेंगे आइए हम आपको ले चलते हैं अच्छा है आज इस मनहूस घर से छुटकारा मिल ही जाएगा अब अपने घर की बात ही कुछ और होती है मुझे तो ये सोच सोच कर ही खुशी हो रही है कि हम लोग आज घर वापस जा रहे हैं मैंने तो सारी तैयारियां कर भी ली वापस जाने की तैयारी कर ली क्यों क्यों अबे इतना सब हो जाने के बाद भी कुछ कहने लायक बचा है क्या वो राधिका हमेशा तुम्हारे नजदीक आने की कोशिश करती रहती है अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक ना एक दिन वो तुम्हें मुझसे दूर करके ही रहेगी कनिका कोई तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश नहीं कर रहा है अच्छा तो फिर बताओ मुझे क्यों तुम हमेशा मेरे बजाय राधिका को देखते रहते हो नहीं है ना कोई जवाब तुम्हारे पास जरूरत भी नहीं है जवाब देने की क्योंकि तुम्हारी खामोशी ही मेरे सवाल का जवाब है नहीं अब हम यहां नहीं रह सकते लेकिन माता राम जी तो कह रही थी कि अब हम इसी घर में रहेंगे और उन्होंने तो ये तक भी कहा कि अब वो भी आकर इसी घर में रहेंगे
किया? माई ने ऐसा कहा, लेकिन वो ऐसा कैसे कह सकती? मुझे उनसे बात करनी ही पड़ेगी। ए चुटकी, ऐसा क्या हुआ कमरे में कि माई का क्रोध एकदम से शांत हो गया? मतलब बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ, लेकिन फिर भी कौन सा घुट्टी पिलाई तू माई को, हमको तो बताओ। पहले आप मुझे बताइए भैया कि माई को अभय का सच पता कैसे चला? अब छुटकिया, हम क्या बताएं? तो का एक ससुरा पंडित आया रहा घर, माई से कहा कि वो टीले वाला मंदिर में पूजा कराए से ना वो विवाह रानी का गोद हरा भरा हो जाएगा। माई थोड़ी काय की सुनती है, पहुंच गई टीले वाला मंदिर हवन कराए के वास्ते, और वहां संजोग दुर्भाग्य से वो बूढ़ा बूढ़ी भी वहां आए गए। हमको बहुत हैरानी हुआ, हम कुछ करना चाहते थे पर हम क्या करते छुटकी? लेकिन छुटकी एक बात तो बता हमका, तो माई के कान में ऐसा कौन सा मंत्र फूंकती है जो माई वो अभय बाबू को लताड़े के बदले तोरे संग यहां रुकने के लिए तैयार हो गई? चलिए, माताराम जी बुलात रही हैं आप दोनों को। इस ससुरा हिटलर का चमचा जब भी आता कोनो बुरा खबर लेकर आते। आ रहे वो कनिका जी के मना करने के बावजूद आपने यहाँ रहने का निर्णय लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करने चली आई। आप अपनी ये गलतफहमी दूर कर लीजिए, मैं यहां सिर्फ माताराम जी के कहने से रुका। बाकी इस घर में रहने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, तो आप जाके अपना धन्यवाद माता राम जी से करें। इतना तो मैं भी समझती हूँ, आप यहाँ सिर्फ माता राम जी के कहने पर नहीं रुके हैं, इसमें आपकी भी सहमति है। आप माने या ना माने, लेकिन आपका दिल इस परिवार इस घर को अपना मानता है। आप फिर से ये सारी बातें शुरू ना करें, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप यहां से जा सकती हैं। एक मिनट, और एक बात, आज के बाद जब भी आपको मुझसे कोई बात करनी हो तो हॉल में पूरे परिवार के सामने करिएगा। क्यों? क्या आज से पहले हम इस कमरे में कभी अकेले नहीं रहे हैं? फिर क्यों आपको डर लग रहा है? ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपकी पत्नी हूं, ये कमरा हमारा है, यहां बैठकर हमने सुख दुख बांटा है अपना, फिर मैं इस कमरे से क्यों जाऊं? मैं आपसे विनती करता हूं राधिका जी, आप यहां से चली जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। कमरे से तो मैं चली जाऊंगी, क्या आप अपने दिल से निकाल पाएंगे मुझे? हम जाना था कि तुम लोगों का मन में बार बार यही सवाल उठ रहा है कि काहे
काहे हम सच नहीं बोले, काहे हम ई घर में रहने का फैसला किए। कल तक वो अभय हमरे वास्ते हीरा था, आज वो पूरा का पूरा हीरा का खान है और हम किसी भी हालत में उका अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। ये घर में रह के हम अपना इरादा पूरा करेंगे, उका बाद ये घर और ये घर का राजपुरोहित ही हमरा होगा और उ राधिका और पुरोहित परिवार का पत्ता ई घर से हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। लेकिन मैं, ये कैसे हो सकता है? हम तो का दिमाग लगाए का खातिर ना ही बोले हैं रज्जन, जो हम तो का कहते तो चुपचाप करत रहे, और जो तो से ना ही हो सकत तो अपना बोरिया बिस्तर बांध और जाग रहा वापस। पर याद रख, उका बाद ना तू हमरा बेटा है और ना ही तो का हमरी संपत्ति से एक फूटी कौड़ी मिलेगा, तू समझा? माई, लेकिन हम लोग घर वापस कब जाएंगे? काहे का निकरानी, इगर का हवा पानी तो का रास नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो आदत डाल लो रानी, क्योंकि ई घर हमरा है और ई घर से हम कहीं नहीं जाएंगे। माई, कहा है कि यहां रहे का अधिकार खाली राजपुरोहित परिवार को है, एक ना एक दिन तो हमको ये सब छोड़ के यहां से जाना ही पड़ेगा ना। कहीं ना ही जाएंगे लल्ला, जाएगा तो उपुरोहित परिवार, मजा तो तब आएगा लल्ला जब देवराज पुरोहित ही उका खुदे ई घर से निकालेगा। कात्यायनी देवी के कहने पर ही सही, कम से कम देव हमारे पास तो रहेगा, हमारे आंखों के सामने। लेकिन एक बुरी बात है, उस कनिका के साथ साथ कात्यायनी देवी, रज्जन, वो हनुमान और उनकी पूरी पलटन यहां रहेगी। अब उन लोगों के होते हुए हम देव को उसकी बातें कैसे याद दिलाएंगे? दादी माँ, आप ही तो कहती हैं ना, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो भगवान हमारे लिए एक नया रास्ता चुनते हैं। इसीलिए मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे कान्हा मेरे साथ है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक सपने जैसा हो, उनका हमसे दूर हो जाना, फिर पराया बनकर उनका वापस लौट आना, सब कान्हा की माया है दादी माँ। और जब आंखें खुलेगी तो कान्हा मुस्कुरा कर कहेंगे कि मेरी भक्त मेरी मोह माया नहीं समझ पाए। दादी माँ, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ पहले जैसे ठीक हो जाएगा। हेलो, राधे राधे। राधे राधे मोहन जी। विवेक, मुझे माजी से कुछ आवश्यक बात करनी है, जरा उन्हें फोन देना। जी हाँ दादी माँ, मोहन जी आपसे बात करना चाहते हैं। राधे राधे मोहन जी। राधे राधे।
मैं आपको याद दिला दूं कि कल हरियाली तीज है। हर बार की तरह इस बार भी मठ में विवाहित जोड़ों के लिए पूजा रखी गई है। इस पूजा में देव और राधिका की भी उपस्थिति अनिवार्य है। राजपुरोहित और राजपुरोहिताइन होने के नाते इस पूजा का शुभारंभ उन्हीं के द्वारा होगा। अवश्य आएंगे जी। राधे राधे। क्या हुआ माँ जी? क्या कहा मैं जी? देखा ना, हम सब भूल गए, कल हरियाली तीज है और इस अवसर पे मठ में विवाहित जोड़ों के लिए पूजा रखी गई है और महन जी चाहते हैं कि इसमें सबसे पहले देव और राधिका बैठे। अरे हाँ, हम लोग तो सचमुच भूल गए। अरे माला, जौ के बीज मंगवा लो थोड़े से, रात को ही बो देंगे हम, सुबह पूजा में जरूरत पड़ेगी ना उसकी। और हाँ सुनो, अरे देव, सुना तूने देव, कल हरियाली तीज है, वैसे तो ये पूजा सुहागिनों के लिए होती है, लेकिन मुझे याद है तू कितना इंतजार किया करता था इस त्योहार का। इस दिन जो पकवान बनते हैं घर में, वो गुजिया, खीर, पापड़ी वगैरह बड़े चाव से खाता था, याद आया? इस त्योहार का एक बहुत बड़ा महत्व है बेटा। ये त्योहार पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत करती है, अटूट बनाती है। जैसे जैसे शिव और पार्वती का रिश्ता, कुछ नहीं याद आ रहा है तुझे? बेटा इस दिन छोटी बहू तेरे लिए बड़े चाव से व्रत रखा करती थी। बोल ना बेटा, कुछ याद आ रहा है? याद आया। ना ही ना, क्योंकि ई हमरे दामाद बाबू हैं, देव बाबू नहीं। हो सकत है आप ही त्योहार के बारे में कुछ ना ही जानते हो दामाद बाबू, पर हम आपका बताना चाहते हैं कि कनिका भी इस साल आपका खातिर व्रत रखे का फैसला की है। अगर अभय जैसे पति हो तो चाहे जितने भी पूजा पाठ या व्रत क्यों ना रख लो, कम ही। और इस बार मैं भगवान से एक ही दुआ करूंगी कि अभय भले ही कान्हा जैसे क्यों ना हो, लेकिन इनके जीवन में रुक्मणी की तरह मैं तो रहूं, पर कोई राधा कभी ना आने पाए। अभय के साथ इस पूजा में मैं ही बैठूंगी। नहीं, इस पूजा में तुम नहीं बैठ सकती, इसमें सिर्फ राजपुरोहित और राजपुरोहिताइन बैठते हैं, इसीलिए देव और राधिका को पति पत्नी के रूप में बैठना होगा। नहीं, मैं इस पूजा में नहीं बैठ सकता। ये क्या कह रहा है तू? आप ही ने तो कहा था माँ जी कि इस पूजा में सिर्फ विवाहित जोड़े ही बैठ सकते हैं, और मेरी राधिका जी के साथ शादी नहीं हुई, मेरी पत्नी कनिका है। और मैं ये बात भी अच्छे से जानता हूं
कि मैं देव नहीं, तो फिर मैं उनकी जगह लेकर राधिका जी के साथ पूजा में कैसे बैठ जाऊं? और मैं इस धार्मिक अवसर का अपमान भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर तू नहीं बैठेगा तो फिर कौन बैठेगा? इसमें तो सिर्फ राजपुरोहित और राजपुरोहिताएं बैठते हैं। हम समझाते हैं दामाद बाबू, हम आपका पीड़ा भली भांति समझते हैं। वो आपका बात विचार पे हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, पर आप जो महान काम के लिए यहाँ आए रहे, इस वक्त आपको वो पूरा करने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि रास्ते में आने वाले मुश्किलन पर। नहीं माताराम जी, मैं इस कार्य के लिए कनिका का हक किसी और को नहीं दे सकता।